हलाल पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि देश को पता चले कि हिंदुस्तान के साथ का षड्यंत्र का आकार कितना बड़ा है। आज मैं आपके सामने इस षड्यंत्र का दावा जो मैं कह रहा था, उस दावे का पोल खोलने वाला उन्हीं का एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा आज, ये देखिए, ये है एक ऐसा रिपोर्ट जो 2018-19 के लिए ग्लोबल इस्लामिक इकोनॉमी नाम से किया गया था। ये एन एक्सक्लूसिव इथिकल इकोनॉमी स्टेट ऑफ द ग्लोबल इस्लामिक इकोनॉमी रिपोर्ट 2018-19। इसके चित्र ग्लोब के चारों तरफ अगर आप देखेंगे दसों दिशाओं में, तो आपको पता चलेगा कि इसमें वो सब कुछ है जो गैर इस्लामिक हो या इस्लामिक ना हो, लेकिन दुनिया में जिससे भी पैसा संबंधित है, धन संबंधित है, व्यापार संबंधित है, वो सब कुछ इस रिपोर्ट के अंदर दिया गया है। ये एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिस पर हम दावा कर रहे थे कि कैसे मुसलमान संस्थाओं ने विश्व पर राज करने का प्लान बनाया है। मित्रों, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो 2020 में कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन करेंगे, लेकिन ये लोग तो हिंदुस्तान से कई गुना बड़ी इकोनॉमी का प्लान लेकर विश्व के सारे कम्युनिटी के ऊपर अपना राज थोपने के लिए इथिकल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में इथिकल इकोनॉमी संवैधानिक नहीं है, उसके बावजूद और ये सब कुछ करने में जिन संस्थाओं ने हाथ लगाया है, वो संस्थाएं कौन है, तो आपको पता चलेगा, दुबई द कैपिटल ऑफ इस्लामिक इकोनॉमी, नीचे में सबसे आखिर में, उसके साथ साथ विश्व की कुछ प्रोफेशनल संस्थाएं, थॉमसन रॉयटर्स, उसके साथ डिनार स्टैंडर्ड, जो कि आप देखेंगे, तमाम ये चीजें लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं। मैं आपको ये रिपोर्ट जो आप आपके स्क्रीन पर इसका पहला पन्ना देख रहे हैं, इसके 112 पेजेस, जरा क्लोज लीजिए, इन 112 पेजेस में वो सब कुछ है जो आपके लिए चौंकने के लिए पर्याप्त है। मैं भी इसका, मुझे कुछ पोर्शन मिल रहा था, और भी मेरे पास कुछ और इकोनॉमी के ऐसे रिपोर्ट है, प्लान से, लेकिन 112 पन्ने का ये रिपोर्ट मैं दोबारा जरा दिखाने के लिए कहूँगा। थोड़ी देर में आपको एक एक इसका जो हिस्सा है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन ये कैसे बता रहा है विश्व की इकोनॉमी पर राज करने का फॉर्मूला, किस उम्र के, कितने लोग, कहाँ, कौन से धर्म के हैं, और वो कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं, इस 112 पेज के समरी में चौंकाने वाले वो सारे तथ्य है। ओलंपिक जो आने वाला है, उस ओलंपिक में हलाल इकोनॉमी का कैसे फायदा उठाया जा सकता है, इसको लेकर अलग से चैप्टर है, और ये टेक्नोलॉजी में भी घुसपैठ करने का इनका प्रयास है, टेक्नोलॉजी में भी घुसपैठ का पूरा प्रयास है कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे इसके अंदर लेंगे। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन द इस्लामिक इकोनॉमी कितना रेशो है हलाल प्रोडक्ट्स और प्राइवेट इक्विटी, इन दोनों का रेशो मिलकर विश्व की कितनी परसेंट कंपनियों पर इस्लामिक इकोनॉमी का कब्जा हो सकता है, जैसे चाइना आजकल कब्जा कर रहा है, वही प्लान इसमें भी बना हुआ है। और भी बहुत कुछ है इसमें, जकात से लेके इस्लामिक उन धारणाओं को इस इकोनॉमी का हिस्सा बनाया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुओं का कोई संगठन, कोई नेता, कोई व्यक्ति, कोई सरकार हिंदुओं की इकोनॉमी को लेकर विश्व में कोई योजना बना रही है, कम से कम थोप तो पक्का नहीं रही। ऐसे में मुसलमान पूरे विश्व की योजना बना रहे हैं और हम अनजान हैं। अच्छा चलो वो बनाए, अपना फायदा देखे, हम समझ भी सकते, चलो कर रहे हैं, लेकिन हमको गुलाम बनाने की अगर उसके अंदर योजना है, तो हमें विरोध करने का पूरा अधिकार है, जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार हिंदुस्तान में बहुत जरूरी मुद्दों पर चर्चा भले ही हो रही हो, लेकिन मैं वो छोड़कर केवल हलाल इकोनॉमी के पीछे पड़ा हूं। कम से कम 3 दिनों बाद तो कुछ लोगों को ये समझ में आ रहा है, और इसको लेकर कुछ बदलाव भी हो रहा है। क्या वो बदलाव है, वो भी मैं आपको बताऊंगा,
लेकिन मैं हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट पैनल है उनके पास चलूंगा। भरत शर्मा हैं, समाजशास्त्री हैं, और रमेश शिंदे जी रोज हमारे साथ इस मुद्दे में जुड़े हुए हैं, इनको भी लेते हैं। और शादाब चौहान मुस्लिम समाज की तरफ से अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर रहेंगे। हम सब मिलके इस पूरे एक घंटे तक इस पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि हमने कहा था कि दो दिन हमने मुसलमानों के प्रतिनिधि के बगैर चर्चा की, क्योंकि कोई आने को तैयार नहीं था। लेकिन कल हमारे चैलेंज के बाद आज शादाब चौहान ने सहभागिता की है, और इसलिए आज हम इस शो में एक एक मुद्दा लेकर डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूं, हमारे साथ भरत शर्मा जी है। भरत शर्मा जी, आपने भी हलाल पर बड़ा रिसर्च किया है, लेकिन आज मैं चौंक गया, 112 पन्ने का रिपोर्ट जिसमें 2060 तक की योजना है विश्व पे कैसे इस्लामिक इकोनॉमी एक नंबर की रहेगी, और जिसकी इकोनॉमी उसका राज, ये तो सूत्र है, क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं इसमें। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो बहुत योजनाबद्ध रूप से किस प्रकार से आया, मैं दो तीन उदाहरण के बताना चाहूंगा। 1970 तक एयर इंडिया में या राजधानी के फर्स्ट एसी में सॉसेजेस परोसे जाते थे। हाँ। क्योंकि वो ब्रिटिश परंपरा से अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी। 1975 इस मतलब मिड 70s ऑनवर्ड्स जो चेंज आने शुरू हुए, और 1985 ऑनवर्ड्स माइनॉरिटी कमीशन की स्थापना, और ये सब से क्या हुआ है कि आज चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो भारतीय रेलवे हो, चाहे वो किसी राज्य का भवन हो, जैसे छत्तीसगढ़ भवन है या जो भी है, किसी भी एक्स वाई जेड राज्य में, छत्तीसगढ़ नाम के लिए कोई भी राज्य का भवन हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, इन सब में, और मैं भारत सरकार के संस्थानों की बात कर रहा हूं, बाकी प्राइवेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, इन सब में केवल और केवल हलाल मीट मिलता है। तो जो हमारी पारंपरिक रूप से जातियां इस व्यापार में रही हैं, खटीक समाज रहा है, वाल्मीकि समाज रहा है, उनको आपने व्यापार से बाहर धकेल दिया। ये एससीज और एसटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। तो और दूसरा पक्ष क्या है कि जैसे जो सिख समाज है उसमें राहत मर्यादा जो है, परिणाम और एक एक मुद्दे पर आएंगे, एक एक बात को आपके पास दोबारा आएंगे। शादाब चौहान आपने हमारे साथ जुड़े हैं। शादाब चौहान, मुसलमानों को तो भारत के लोग बड़े गरीब, इनोसेंट और ज़्यादा से ज़्यादा नादान समझते हैं। आप तो कई आतंकवादियों के साथ साथ तो आप बड़े शातिर भी निकले। देखिए, आतंकवाद तो एक विभिन्न मुद्दा है जिसको लेकर कभी भारत की जनता ने कभी तवज्जो नहीं की, और जब आईएसआई का नाम आया तो भारत के मुसलमानों को रिजेक्ट कर दिया कि भारत के मुद्दे भारत में हल होंगे और संविधान हल होंगे। लेकिन जो मुद्दा मैं उस पर आना चाहता हूँ कि हलाल हो, झटका हो, वैष्णो थाली हो, जैन थाली हो, आप ये कहना चाह रहे कि हलाल अगर मेडिकल एक्सपर्ट से पूछेंगे हलाल क्यों लागू किया गया एयर इंडिया में और रेलवे में, मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि हलाल जब किया जाता है उसमें पूरा ब्लड बाहर आ जाता है जिससे बीमारी नहीं होती है। मेडिकल एक्सपर्ट धार्मिक परंपरा के अलावा गलत बात नहीं, गलत नहीं, ये मदरसे पे नहीं चल रहा है, ये सुदर्शन पे लाइव चल रहा है, गलत बात नहीं बोलने की। उल्टा ये मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि हलाल का मीट खाने के कारण बीमारियां बढ़ती है, झटके से नहीं बढ़ती, और इसलिए कई पश्चिम जो देश हिंदू नहीं है उन देशों में भी अभी हलाल का मीट खाने पर प्रतिबंध है, वहां पर अब ये नोटिफिकेशन निकल चुका है, इसलिए झूठ नहीं बोलने का, सच बोलने का पूरा मौका है। बोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी इंडिया के अंदर कोई मेडिकल एक्सपर्ट ऐसा नहीं बना। दूसरी बात महत्वपूर्ण मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस तरीके से सभी धार्मिक परंपराएं हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर झटके का मीट अगर कोई काटता है तो उसको खाया जा सकता है, क्या हिंदुस्तान के रीति रिवाज ये है? तो यहाँ कोई भावना है या कोई बंधन नहीं है, हिंदू धर्म या सिख धर्म या ईसाई धर्म में कोई बंधन नहीं है कि मीट खाने का यही तरीका होगा। हमारे यहाँ इसलिए बंधन है क्योंकि
उसकी वो बॉडी को बॉडी के लिए लाभदायक है, उसका पूरा जो ब्लड होता है जब गर्दन से हलाल किया जाता है उसका पूरा ब्लड बाहर आ जाता है, जिससे कि उसमें जो बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया अंदर नहीं रहता ब्लड का, वो बाहर आ जाता है। रमेश शिंदे जी, अब इनका क्या जवाब देंगे? सबसे पहले तो मैं शादाब जो है वो अज्ञानता से ये कह रहा है इस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि दो तीन बातें जो उन्होंने कही उसका उत्तर यदि वो मुझे दे दे तो ये विषय समाप्त हो जाता है। पहली बात तो ये है कि जो ये आज कहा जाता है कि मतलब हलाल करने से पूरा ब्लड बाहर जा रहा है और ब्लड बाहर जाने के साथ बैक्टीरियाज भी बाहर जा रही है। मैं कोरोना के बारे में पूछता हूं उनको, कोरोना ब्लड के अंदर बीमारी है या लंग्स में होने वाली बीमारी है? क्या वहां से बैक्टीरिया बाहर निकलेगी कोई ब्लड बाहर निकलने से? तो कोरोना जैसे बैक्टीरिया या जो मतलब जो बीमारी है, तो बाकी सारी बीमारियों का क्या? आप केवल खून के बारे में कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि नहीं उसके अंदर हलाल के अंदर तो केवल ब्लड जो है वो निकालने के लिए कहा गया है। मैं हलाल के दो बातें कहता हूं कि यदि कोई हिंदू यदि वहां पर हलाल करके देता है तो क्या आप उसको परमिशन देंगे? क्योंकि आपका हलाल ये कहता है कि काटने वाला इस्लाम का पालन करने वाला होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ये कलमा काटते समय पढ़ना चाहिए। यदि ये कलमा नहीं पढ़ा जाता है तो ये भी हलाल नहीं होगा, ये हराम होगा, ये आपके यहाँ पर लिखा गया है। तो आप जो बातें कह रहे हैं, पहले बात तो साइंटिफिक कहीं पर है नहीं, ये एक कहीं इंग्लैंड के किसी प्रोफेसर ने सर्टिफिकेट बना करके दे दिया, उस सर्टिफिकेट को लेकर के सब लोग नाच रहे कि नहीं ये हलाल जो है वो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। आज तक किसी मेडिकल लैब में ये प्रूव नहीं हुआ है कि हलाल मीट जो है वो मतलब उसको सिर्फ ये कहा जाता है कि वो टेंडर मीट हो सकता है लेकिन वो हेल्दी मीट हो सकता है, इस प्रकार से कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। और यदि इस प्रकार से लिखा गया है तो आप मुझे दिखा दीजिए, रिपोर्ट दिखा दीजिए कि कहां पर इस प्रकार की रिपोर्ट है। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि हिंदू और सिखों के अंदर ये बंधन नहीं है। अब आपकी बात को कंटिन्यू करें, इस बात का मैं जवाब देता हूं जो बात इन्होंने कही। लीना मेंदड़ी जी ने मुझे रिपोर्ट भेजा है ये शो देखकर, उन्होंने कहा है नमस्ते, मैं जो कि हलाल मीट में खून की मात्रा अधिक होती है और खासकर पशु के कंधे के भाग का खून उसमें मिला होता है, इसलिए हलाल मीट खाने वालों में किडनी के रोगों की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। यह सर्वे मालेगांव महाराष्ट्र का मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर किया गया, तो मुख्य रूप से वहां इस बीमारी का प्रादुर्भाव ज्यादा पाया गया। मैं शादाब चौहान की बात के बाद तुरंत आया हुआ मैसेज नाम के साथ पढ़ के बता रहा हूं। और जो बात आप शादाब चौहान कह रहे हैं कि हलाल के कारण खून बहता है, नहीं, क्योंकि हलाल में तड़पा तड़का परमाते झटका में, उन्होंने झटका के बारे में लिखा है, झटका वध में पशु का बहुत सा रक्त बहकर निकल जाता है, अतः मीट के अंदर उसकी मात्रा उतनी ही बचती है जो मनुष्य पचा सके और किसी अवयव पर उसका असर नहीं हो सके। ये रिपोर्ट मैं तुरंत इस शो के बाद मेरे सोशल मीडिया के हैंडल पर और सुदर्शन के वेबसाइट पर डालता हूं, इसलिए आपका पहला झूठ पकड़ा गया है। अगली बात का जवाब रमेश जी दे रहे थे, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, सुरेश जी, सुरेश जो शादाब ने जो कहा कि यहाँ पर हिंदू या सिख जो है तो धर्म के अंदर कहीं पर लिखा नहीं है, तो हमारे यहाँ पर जितने भी आप नेपाल में जाइए या जो हमारा कामाख्या मंदिर है, त्रिपुर सुंदरी का त्रिपुरा का मंदिर जो है, तो वहां पर जो पशु की बलि दी जाती है उसकी पद्धति आप देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। सिखों के अंदर जो उनके ककार है उसके अंदर एक लिखा है कि कुथा मांस नहीं खाना है, आप पढ़ लीजिए कभी। तो आप बिना पढ़े ही आते हैं और आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं हिंदुओं को तो सब कुछ चलता है, तो ये सेक्युलरिज्म की मानसिकता यहाँ पर लेकर के मत आइए। यदि वास्तविकता में है तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आपको यदि है कि नहीं वो गले की नली काट करके ब्लड बह जाने से हलाल होता है, तो मैं आपसे कहता हूं कि कल कोई हिंदू हलाल करके देगा तो आप उसको स्वीकार करेंगे क्या? इतना ही मुझे उत्तर दीजिए। हाँ, आप बने रहिए। शादाब चौहान बताइए। मैं दो बातों का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले कोरोना और ब्लड में जो बात कही, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोरोना हो या कोई दूसरी बीमारी हो,
ब्लड का रिलेशन कहीं ना कहीं सब में रहता है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं जो इन्होंने कहा कि अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के बिना हलाल नहीं हो सकता, मेरे भाई मैंने वही आपसे कहा है कि धार्मिक परंपराएं सब की हैं, बलि देते वक्त कौन अल्लाहु अकबर पढ़ता और कौन कहता पढ़ने के लिए। मैंने सिर्फ ये कहा है कि हम लोग हलाल करने का एक प्रोसीजर है जिसमें साइंटिफिक और रिलीजियस दोनों का कॉम्बिनेशन है, और जो ये रिपोर्ट आई है मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं, किसी भी मेडिकल लैब की रिपोर्ट नहीं है, ये तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट नहीं है, ये तरीके से एजेंडा है कि इस तरीके से प्रोपोगेट किया जाए कि हलाल को ना खाइए, जबकि जो लोग हलाल खाते हैं, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि जो बगैर ब्लड निकल जाता है, जब हलाल होता है तो पूरी नली यहां से नहीं काटी जाती है, जब हाफ कट करेंगे जो पूरा ब्लड है शरीर में वो धीरे धीरे करके सारा निकल जाएगा, और एकदम झटके से काट देंगे जो यहां का ब्लड होगा वो तो निकल जाएगा, अंदर का जो ब्लड होगा ब्लड सेल्स रह जाएंगी जो कि सेहत के लिए हानिकारक होंगे। और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना वो मेरी धार्मिक परंपरा आर्टिकल 25 के हिसाब से, लेकिन हिंदुत्वा की जो विचारधारा लगा करके इसमें धार्मिक नजरिया लगाया जा रहा है, ये गरीबों मजदूरों और दलितों के मुद्दों को दबाने के लिए, दलित भाई को कोई आपत्ति नहीं है, पिछड़ों को कोई दलित भाई कोई आपत्ति है, खास करके खटीक समाज के हमारे भाइयों को कि आपने खटीक को उसके खटीक बिजनेस से बाहर कर दिया। अभी कोई भी खटीक अगर काटेगा तो आप उसका मांस नहीं खाएंगे और आप केवल उसी का खाएंगे जो काटने वाला मुसलमान है, तो आपने तो उनको बाहर कर दिया। 70% लोग भारत के मांस खाते हैं और मुसलमान इस देश में 20% है, तो बाकी हिंदू भाई खा सकते हैं, कौन मना कर रहा है, किसी को जबरदस्ती नहीं है ना। अगर मैं कहूं कि जैन भी गोश्त खाए, मैं कैसे कह सकता हूं, सबकी अपनी अपनी धार्मिक परंपरा है, कोई व्रत रखता मुद्दा है, मुद्दा शाकाहार का नहीं है, खाया जाए या नहीं खाया जाए मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि आप हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर 125 करोड़ हिंदुओं के ऊपर अपनी आस्था कैसे थोक सकते हैं, यह कैसे हो सकता है। कोई आस्था नहीं थोप रहा है, हम ये कह रहे हैं कि हम वो गोश्त खाएंगे जिसमें जो हलाल होगा, हम हरगिज़ और कतई वो गोश्त नहीं खाएंगे जो हलाल नहीं होगा किसी भी कीमत पर, ये हमारा रिलीजियस बिलीफ है और हम लोग इसको साइंटिफिकली भी सही मानते हैं। रमेश जी शायद ये समझना नहीं चाह रहे, रमेश जी हाँ नहीं, इसमें यहाँ पर जो कह रहे हैं तो इनको तो पहले ये भी नहीं पता है कि हलाल इस्लाम में बाद में आया और हलाल की जो पद्धति है वो पहले से चली आ रही है, और इसके अंदर इन्होंने बस इतना ही जोड़ दिया कि उसके अंदर मुस्लिम होना चाहिए और वहां पर कलमा पढ़ना चाहिए। ये जो पद्धति है ये पद्धति पहले से आज अभी जूएस की कोशियर की पद्धति जो है वो भी वही है, उसी तरीके से है, सिर्फ इन्होंने अपना कलमा उसके अंदर लाया है और कुछ नहीं नया किया है। तो कलमा पढ़ने से क्या हो जाता है, यदि ब्लड बाहर निकलना है तो यहाँ पर, लेकिन आज जो हमारा जो चर्चा का मुद्दा है वो सिर्फ हलाल मांस का है ही नहीं। अभी यदि इस प्रकार से है तो आप मुझे बता दीजिए कि बाबा रामदेव जी की दवाई में कौन सा मांस होता है कि उसके लिए आपको हलाल की आवश्यकता होती है। आप मुझे ये बता दीजिए कि जो स्वराज की नहीं, एक एक लीजिए ना, चीनी बनती है, रमेश जी एक एक लेते हैं। रमेश जी आपका एक सवाल इनका एक जवाब, बताइए शादाब चौहान, बाबा रामदेव के जो तमाम उत्पाद है उसमें क्या है, वहां तो सुअर भी नहीं और कोई मांस नहीं है, तो हलाल सर्टिफिकेट क्यों चाहिए बताओ। हम गाय का पेशाब और या मूत्र पीने पर नहीं, गाय का दूध पीने पर विश्वास रखते हैं, और गोमूत्र मिले होने की वजह से हम रामदेव जी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अन्यथा इसमें हलाल और हराम का कोई इशू, सिर्फ गोमूत्र का मुद्दा हट जाए तो कोई मुद्दा नहीं है, सब आजाद है। मतलब शायद कनेक्शन टूटा है। रमेश जी गाय के गोमूत्र लोगों की गर्दन काटी तो चलेगा, लेकिन गाय का गोमूत्र नहीं चलेगा, ये हलाल है। हाँ का मूत्र भी तो पीते हैं अरब में, कैसे हराम है। भरत शर्मा जी हाँ बोलिए। देखिए इन्होंने पहली बार ये कहा कि खटीकों को कैसे धकेला गया है, मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा। गाजीपुर का जो काटने की जगह एबेटॉयर है, हाँ। दिल्ली में आप ऐसा नहीं है गली में कहीं काट लें, हाँ। गाजीपुर में जैसे काटा जाता है तो वहां पे एक भी हिंदू नहीं है, हाँ। के अंदर अगर कि हिंदू कहां बैठ के काट रहा है, उसे बाहर धकेल दिया गया है, हाँ।
अगर एयर इंडिया कह रही है कि मैं केवल हलाल मीट खरीदूंगी, मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं, भारत से मांस का निर्यात होता है, उसकी जो बॉडी है उसका नाम है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी एपीडा। एपीडा ने बहुत पहले से, कांग्रेस के समय से मैंडेटरी कर रखा है कि ऑल मीट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया हैज टू बी हलाल सर्टिफाइड। क्यों भैया? 55% मांस तो भारत का उन देशों में जा रहा है जो नॉन मुस्लिम है, वियतनाम भारत का सबसे बड़ा इंपोर्टर। तो पर सरकार ने मैंडेटरी किया है, और ये दुख की बात है कि 6 वर्ष में आज तक भाजपा सरकार होने के बाद भी हटा नहीं है। तो और वो हलाल को तो हटा है, इसीलिए हम शो करने के लिए खड़े हैं और हटा कर दिखाएंगे। झटके की कहा शुरुआत हुई, ये भी मैं दिखाऊंगा। संजय उपाध्याय जी हमारे कलकत्ता से दर्शक ने भेजा है कि वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जानवर को जैसे ही एहसास होता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है तो जानवर में हजारों किस्म के खतरनाक रसायन उसके मस्तिष्क से निकलकर पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जो हर व्यक्ति के मनुष्य में उस मांस के द्वारा पहुंचते हैं। अमेरिका में एक प्रकार का शोध हुआ जिसमें एक अपराधी व्यक्ति के आंख में पट्टी बांधकर उसके हाथ में पीन चुभाया गया, उस व्यक्ति के ब्रेन से इतनी खतरनाक हार्मोन्स निकली जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये रिपोर्ट आ रही है, और ये रिपोर्ट कोई सामान्य बातें नहीं है। विश्व में इसको लेकर तमाम प्रकार के संशोधन हुए हैं, लेकिन झूठ झूठ और झूठ, मदरसा झाप, झूठ बोलने की आदत टीवी पर भी लगी है। आइए, आज हमने फोकस किया है कि कैसे विश्व में इकोनॉमी इस दिशा में लाने का प्रयास हो रहा है, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी से भी बड़ी इकोनॉमी, ये पूरा विश्व का रिपोर्ट जो बना है उस पर हमारी जानकारी। हलाल सर्टिफिकेट पर केवल हम ही नहीं, ग्लोबल इस्लामिक इकोनॉमी रिपोर्ट भी आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी देगी। जब हमने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो पता लगा कि स्टेट्स ऑफ द ग्लोबल इस्लामिक इकोनॉमी रिपोर्ट 2018 और 19 में इस्लामिक अर्थव्यवस्था पर भी बातचीत हुई है, और इसमें बताया गया है कि 2017 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर इस्लामिक अर्थव्यवस्था जारी है। इस्लामिक अर्थव्यवस्था में 745 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 3 साल में निजी इक्विटी निवेश में लगभग 595 अमेरिकन यूएस बिलियन से कम हुआ है, 595 बिलियन डॉलर से कम हुआ। वैश्विक इस्लामी अर्थव्यवस्था में 4 लीडर शामिल हैं, इसमें मलेशिया, यूएई, बहराइन, सऊदी अरब है। मलेशिया ने दुनियादारी स्थापित करने के लिए इस्लामिक अर्थव्यवस्था की मजबूती का नेतृत्व किया। यूएई ने इस्लामिक अर्थव्यवस्था रणनीति को बनाने में मदद की। बहरीन ने उन्नत इस्लामिक वित्त में तीसरे स्थान पर करने के लिए इसे काम किया। सऊदी अरब दुनिया भर में शक्तिशाली इस्लामी अर्थव्यवस्था में 500 अमेरिकी डॉलर लगाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामिक अर्थव्यवस्था में वैश्विक नैतिक अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको बता दें कि IDB यानी कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने वैश्विक SDG के साथ भागीदारी की है। अगर हम बात करें इस्लामिक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की, इसमें निजी गैर रणनीतिक इस्लामिक में 545 मिलियन यूएस डॉलर पिछले 4 साल से इससे अधिक का निवेश अर्थव्यवस्था में हुआ, जिसका 88% निजी इक्विटी निवेश था हलाल भोजन में। अब हम आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में एक टाइटल दिया गया जिसमें कहा गया है कि मुस्लिमों के पास वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। अब अगर इसके आगे के शब्द पढ़ें तो उसमें लिखा है कि आज UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसियों का सामना करती है। ऐसे समय में जब दुनिया संघर्ष कर रही है, तब यही एजेंसियां पिछले 70 सालों से संकट के समय शरणार्थियों की सहायता कर रही है। जब खाने की बात आती है तो कोई भी OIC देश हलाल में पूरी तरह से तैयार नहीं है। 1.8 बिलियन मुस्लिमों के साथ दुनिया की आबादी का लगभग 1/4 पर्याप्त है। हलाल खाना भी लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि इससे विश्वसनीय माना जाता है, विशेष रूप से चीन में, जो हाल के वर्षों में कई खाद्य घोटालों से हिल गया है। चीन के बावजूद एक छोटी मुस्लिम आबादी होने के कारण उत्पादन का बड़ा हिस्सा घरेलू उत्पादन के लिए खाने पीने की चीजों पर मुसलमान खर्च करते हैं। आंकड़ों के हिसाब से बात की जाए तो 2017 में 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स और 2023 तक
1.9 ट्रिलियन US डॉलर्स तक पहुंचने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। यानी कि हलाल की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलने का षड्यंत्र रचा रही है। शादाब चौहान, आपने कहा था कि बाबा रामदेव के दवाइयों में गौमूत्र हो सकता है जो हमारे लिए हराम है, तो मैं आपको कुछ चित्र स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। बताइए, ये आशीर्वाद आटा, तमाम प्रकार के आटे, इन आटे में तो गौमूत्र नहीं होता, तो इसके ऊपर हलाल सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? सम्राट आटा, इसके ऊपर क्यों सर्टिफिकेट चाहिए? शादाब चौहान, जवाब दो। दरअसल जिस तरीके से अगर बाबा रामदेव पतंजलि बना सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों ने स्वदेशी बनाया है, उसको हम अपने पैटर्न पे करेंगे। तो आटा हो या कोई और दूसरा विषय हो, ये इंसान तय करेगा कि उसको कहां से खरीदना है, कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं सकता। और मैं कहता हूं कि मैंने आशीर्वाद आटा कई बार इस्तेमाल किया बिना ये देखे हुए कि ये हलाल है या नहीं है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन ये रिलीजियस कॉज नहीं है, आटा खरीदना रिलीजियस कॉज का हिस्सा नहीं है। तो फिर उसपे सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी किया गया है? ये दिखाइए, हम तमाम स्क्रीन पर जो ब्रांड दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान के करीब करीब वो सारे उत्पाद जिन पर हलाल की मोहर लगी है। देखिए, मैं कई उत्पाद, बिस्किट में कहाँ से गोमूत्र आ गया? ये चक्की आटा है सम्राट कंपनी का, क्यों इस पर ये लगाया गया? ये पतंजलि का है आटा, इस पर भी है, क्यों? ये तो दवाई नहीं है। नहीं तो बाबा रामदेव ने क्यों लिया हलाल सर्टिफिकेट? अगर हलाल खराब है, या सम्राट कंपनी ने क्यों लिया हलाल सर्टिफिकेट? किसने मजबूर किया? और भारत में अगर कोई सर्टिफाई करता है तो भारत सरकार के बिना तो नहीं करेगा, यानी कि भारत सरकार का बिल्कुल। आपने अभी काम की बात बोली है, अभी काम की बात बोली, किसने कंपलसरी किया? तो ईपीडा ने किया, भारत सरकार ने किया, यूपीए ने किया, कांग्रेस सरकार ने किया। देखिए, अल्लाह ने आपकी लाइट भी निकलवा दी, झूठ बोल रहे इसलिए। हाँ, अगर ईपीडीए ने किया, अगर ईपीडीए ने किया, सरकार ने किया, तो भारत सरकार क्यों नहीं करती है? हाँ, यही तो सवाल है कि इस सरकार ने क्यों बंद नहीं किया, और ये सरकार बंद करेगी ऐसी व्यवस्था करने के लिए ही, पूरे हिंदुस्तान को जगाने के लिए। पिछले 3 दिनों से हम बिंदास बोल लेकर आए हैं, और अब 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सोशल मीडिया पर, अकेले ट्विटर पर ट्वीट करके अपनी बात को रखा है। करोड़ों लोग इस मांग को कर रहे हैं, और उसका परिणाम भी हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि झटके की बात हम पिछले 2-2.5 साल से कर रहे हैं। अब गोदरेज का बिग बास्केट नाम से जो होम डिलीवरी सर्विस चलती है, जिसके अंदर घरेली तमाम उत्पाद बेचे जाते हैं, उसने अपने यहाँ पर झटका मीट शुरू किया। ये देखिए, जरा छोटा करके दिखाए जिसमें झटका दिखे रुपए के साथ। ये देखिए, ये झटका चिकन, ये हमारे अभियान का परिणाम है एक्सक्लूसिव, कि झटके को अब अधिकृत तौर पर हिंदुस्तान के स्टोर्स को लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमने अभियान चलाया, हमने कहा कि हलाल लिखा है तो खरीदो मत, इसका प्रतिकार करो, विरोध करो। तो बिग बास्केट पर कई लोगों ने ऑर्डर देके अपना माल, अपनी ऑर्डर कैंसिल करवाई, बिग बास्केट को झुकना पड़ा। यही एक उदाहरण है रमेश जी, ये खुशी की खबर है रमेश जी। हाँ सुरेश जी, नहीं, ये बिग बास्केट ने जिस प्रकार से चालू किया है, तो मुझे ये आशा है कि इस प्रकार से यदि हिंदू जागरूक होंगे, इस प्रकार से यदि हलाल के बारे में जागृति होती है, तो वास्तविकता में यह हो जाएगा कि मतलब उनको जो चाहिए, और ये हलाल की जो जबरदस्ती आज जो चल रही है, तो ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो आज यहां से प्रारंभ हुआ है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के धुलिया में, वहां पर झटका मीट का वहां पर उन्होंने दुकान खोला, वहां के हिंदुत्ववादियों ने, अब वहां पर उन्होंने फल और सब्जी के भी खोले हैं। तो इस प्रकार से अभी हिंदुओं में जागृति हो चुकी है कि हमें यदि कुछ लेना, और हमारे ऊपर क्यों हलाल की जबरदस्ती हो? तो हमारा पैसा है और हम हमारे हिसाब से खर्च करेंगे, हलाल की जबरदस्ती में हम नहीं रहेंगे, ये बात आज का हिंदू कह रहा है। चलते भरत शर्मा जी के पास। भरत जी, आप तमाम वो तर्क देख रहे हैं, हालांकि वो तर्क नहीं हो तो कुतर्क है। भरत जी, सुरेश जी, मैं एक गहरी बात बताना चाहूंगा जो शायद हाँ। अभी ध्यान से रह रही है। अपीडा का प्रमाण पत्र कौन देता है?
जमाते और उलेमा नहीं, वो तो हम तीन दिन से दिखा रहे हैं, वो तो हम तीन दिन से दिखा रहे हैं कि ये देने वाले तो आतंकवादियों को बचाने वाले हैं। जी 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 जी। तो ये आपसे पहले ये विषय लोगों के ध्यान में नहीं था कि ये जो सारा पैसा है ये तो वहां जा रहा है। आप तो लोगों का छोड़िए, देश के कई मुख्यमंत्रियों को पता नहीं था, मैंने कैमरे पे पूछा, देश के कई मंत्रियों को पता नहीं था, पत्रकारों को पता नहीं था। और जो बात भरत जी आपने मुझे फोन पर कही थी, मैं दर्शकों को अपडेट करूं कि क्योंकि मैं भी केवल यही जानता था कि 21,000 रुपए ले जाते हैं, कई जगह पर तो ये फी 40-45 हज़ार से भी ज्यादा है। और जैसे रमेश जी बता रहे थे कि जिस दिन जैसे मलेशिया में इन्होंने किया है कि पूरा मॉल की मॉल हलाल मॉल है, क्योंकि मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम देश है, जहां भारत में ज्यादा आबादी है वहां पर भी ऐसा करेंगे। और कल अगर इन्होंने ये घोषणा की कि हलाल सर्टिफिकेट के बगैर नहीं खरीदना है, अभी इंटरनल घोषणा चल रही है लेकिन अधिकृत घोषणा की और सरकार उसके सामने झुक गई, तो हिंदुस्तान के कई व्यापारियों को 10-10, 20-20 लाख रुपए देकर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के बगैर मुसलमान माल नहीं खरीदेगा। भरत जी कंटिन्यू करिए। चलिए, शायद भरत जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम आपको स्क्रीन पर वो सारी बातें विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे कैसे इस देश में ये बात की जा रही है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े दर्शक, ये देखिए कैसे हिंदुस्तान में दादागिरी चलती है मुसलमानों की। मैं जो बात कह रहा हूं ये तो सर्टिफिकेट लगा के तो हो ही रही है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से पूरे देश भर में मुसलमानों को कही जा रहा है कि आप हिंदुओं के दुकान में सामान ना खरीदो। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। भारो कपड़े ले रहे थे सब्जी ने बोल रही मालूम होता नहीं क्या कहीं को आयो कहीं को फिर कौन सा एरिया तुम्हारा बता दूं ना भाई, इसमें सभी बोल रही नहीं क्या हाँ दुकान में डरे थे कपड़े में दुकान को आने का क्या है तुमने हाँ भरीसा डाल लेके तो किसकी इज्जत जाती सर बोल रही के लिए तुमने होता सभी अजय तुमने मालूम होता नहीं बताइए। हिंदू केवल ये भी कह दे, झंडा भी लगा दे तो अरेस्ट, लेकिन ये सीधे कैंपेन। शादाब चौहान बताओ कैसे जमाती कह रहे हैं, ये गुंडा कह रहा है उस महिलाओं को सुनाई नहीं देता बोल रहा है, व्हाट्सएप पर पढ़ा नहीं, जमाती कहते हैं कि दूसरी हिंदू के गैर मुसलमानों के यहां मत खरीदो, क्या कहेंगे इस वीडियो पर। भारत के अंदर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर अगर चाहे वो भाजपा का विधायक हो चाहे जो वीडियो आपने दिखाया वो वीडियो हो कोई भी व्यक्ति अगर ये कृत्य करता है वो गैर कानूनी है। तो ये तो जमात करने के लिए कह रहे ना, तो जमात भी गैर कानूनी काम कर रही है बोलो। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा का व्यक्ति और जमात नहीं कर रही, वो एक व्यक्ति है वो कह रहा है। जमात वाले क्या बताते हैं सुना नहीं क्या, दोबारा वीडियो दिखाओ। ओ जो दंग गुंडा है हरे टी शर्ट वाला उन महिलाओं को कहता है कि जमात वाले क्या बोलते हैं पता नहीं क्या, सुनाओ दोबारा। हिंदुओं के दुकान से माल लेने पर पाबंदी, महिलाओं को खुलेआम धमकी, हिंदुओं के दुकान में आखिर गए कैसे, सुनिए ध्यान से। भारो बोल रहा है जमाता सब्जी ने बोल रही मालूम होता नहीं क्या
कहीं को आए सो कहीं को फिर कौन सा एरिया तुम्हारा चुका दी तुम्हें पता तुम ना भाई, इसने सभी बोल रही नहीं क्या हाँ दुकान में डरे थे कपड़े में दुकान को आने का क्या है तुम ना हाँ भूखा दाल लेके तो किसकी इज्जत चलती सो बोल रही की नहीं तुम ना होता सभी अजय तुम ना मालूम होता नहीं रिक्शा वाले को भी धमकाया गया कि तुम मुसलमान होते हुए भी मुसलमानों की महिलाओं को हिंदू के दुकान पे क्यों लेके आए। शादाब चौहान साफ साफ नाम लिया गया है कि जमाती क्या बोलते है पता नहीं, बोलो कि जमाती भी गैर कानूनी काम कर रहे। मैं राष्ट्रवादी जिहादी मुसलमान हूं तो मैं ये बात कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति गलत करता है, अपराधी किसी भी धर्म जाति का हो वो व्यक्ति अपराधी है। कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा जमाती है। कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा जमाती है। जमाती गद्दार है कहो। भारतीयों ने कोई गुना नहीं किया, अगर एक व्यक्ति गलत करता है वो गुनाहगार है। इस तरीके से तो भाजपा भी गुनाहगार है। खैर चलिए, मैंने तो केवल औकात दिखाने के लिए वीडियो दिखाया था। आज का मुद्दा हलाल है, हलाल पर दोबारा लौटते हैं और हलाल के तमाम अपडेट्स लेकर आज हम आपके सामने हैं। भरत जी ने गेस्ट आज हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने इस विषय पर काफी रिसर्च किया है। रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी आज हम डिबेट के साथ इस मुद्दे को लेकर आए थे, शादाब चौहान तो उसको घुमा रहे हैं, किसी चीज को मानने को तैयार नहीं और आखिर में ओवैसी के चले ही है तो ओवैसी की तरह अपनी बात रखकर बोलते कि कार्रवाई होनी चाहिए। हलाल पर हम लौटते, हलाल पर आप और क्या अपडेट देना चाहेंगे रमेश जी? जी जिस प्रकार से ये मुद्दे को घुमाने का प्रयास कर रहा है, ये कभी अपने लोग कभी दोषी है ये नहीं कहेंगे। ये लोग ये कहेंगे कि जो भी आतंकवाद में लिप्त है तो वो दोषी है। अरे भाई, आपका 100% आतंकवाद तो आपके द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि नहीं ये यहाँ पर गलत है? तो इसी प्रकार से ये बातें हो रही है। और यहाँ पर हलाल के दृष्टिकोण से जो ये बार बार कहा जाता है कि नहीं दलित भाई दलित भाई, ये पूरा हलाल का मुद्दा ही दलितों का व्यापार और दलितों का बिजनेस छीनने के लिए आपने वहां पर से उनके पास से लिया है। आज जो वहां पर आपको मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि भारत में नॉर्थ ईस्ट के मतलब हमारे पूर्वोत्तर भारत के जितनी भी इंडस्ट्रीज है किसी को भी हलाल सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि वो कहते हैं कि वहां पर के लोग पोर्क खाते हैं यानी सुअर का मांस खाते हैं, तो इस कारण से नॉर्थ ईस्ट के किसी भी इंडस्ट्री को हम हलाल सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो क्या पोर्क खाना कहीं पर किसी का गलत है? आप यहाँ पर दलितों की बात कर रहे हैं, वहां पर वनवासी है दलित है जो भी पिछड़े समाज के हैं उनको तो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। आप तो तब कह रहे कि नहीं नहीं वहां पर तो वो पोर्क खाते हैं तो हम उनको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो ये दोगलापन जो है कि एक तरफ आप कह रहे कि नहीं ये सारी चीजें हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नहीं जो हलाल है, तो आप क्यों नहीं कह रहे कि नहीं दलित भाई ने कोई किसी ने हलाल कर दिया तो भी हम खाएंगे? तब तो आप कह रहे नहीं काटने वाला तो मुस्लिम ही होना चाहिए, तब आपका दलित भाई के प्रति प्यार क्यों नहीं दिखाई देता है? तो ये जो बातें आप कह रहे हैं ये सारी की सारी झूठी है और आप एक तरीके से पूरी इकोनॉमी को प्रभावित कर रहे हैं, इस्लाम के दृष्टिकोण से प्रभावित कर रहे हैं। और ये सारा ये सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी आपके मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को कहां से मिली? यदि आप कहते कि नहीं सारी चीजें गलत है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत में FSSAI है FDA है, ये दो संस्थाएं हैं सेक्युलर संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं को खाने पीने के बारे में सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी है। उन्होंने जांच करके यदि आपको वेजिटेरियन का सिंबल लगा करके ग्रीन डॉट लगा करके दिया तो आपके मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के पास ये कहां से अथॉरिटी आती है कि वो कहते कि नहीं फिर से आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आटे के लिए भी लेना पड़ेगा, तेल के लिए भी लेना पड़ेगा, चीनी के लिए भी लेना पड़ेगा, चाय पत्ती के लिए भी लेना पड़ेगा? तो ये कहां का न्याय है? के लिए लेना पड़ेगा, फ्लैट के लिए लेना पड़ेगा, शादी के लिए लेना पड़ेगा, हर चीज के लिए लेना पड़ेगा। संजय उपाध्याय जी कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े, संजय जी बोलिए क्या कहना है आपका? पहले सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। और आपको मैं
इस बताना चाहता हूँ कि भाई ये सरदार चौहान जी जो बैठे हैं ये भी चौहान है और एक आप भी चौहान है। इनके पूर्वज जो है जजिया देने से बचने के लिए इस्लाम कबूल कर लिए और आपके पूर्वज लड़े, आप आज भी हिंदुओं के प्रति प्रखर है, समझ गए। और दूसरी बात ये है कि दूसरा बात ये है कि जिस प्रकार गौमूत्र के बारे में इन्होंने बोला, अग्नि व्रत नैष्ठिक जी का मैंने वीडियो भेजा है, 576 शोध पत्र आए हैं गौमूत्र के ऊपर और वह आधुनिक विज्ञान से प्रमाणित शोध पत्र है। इस व्यक्ति ने कैसे कह दिया कि गौमूत्र हम जो है वैज्ञानिक नहीं है, और जिस प्रकार ये हलाला की बात करते हैं, जिस प्रकार ये हलाला मीट की बात करते हैं, अमेरिका में शोध हुआ, एक व्यक्ति को अपराधी था, उसके हाथ में पिन धसा दिया गया और बोला गया कि तुम जो है तुमको कोबरा सांप से कटाया जाएगा, और वो उस आदमी के शरीर में इतना हार्मोन निकला केवल पिन धसाया गया था, उस आदमी की मृत्यु हो गई। जब जानवर को काट दिया था छोड़ दिया जाता है तो उसके शरीर से हजारों प्रकार के खराब रसायन निकलते हैं। ये वैज्ञानिक प्रमाण पत्र है, किसी भाड़े के वैज्ञानिक से अगर इस सिद्धार्थ चौहान ने जो है ले आया जो है प्रमाण पत्र तो उसको क्या मान लिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हलाला की जो बात आप संजय जी हमारे लाइन पे रहे, मैं थोड़ा अचानक ही इसलिए मैं कंट्रोल रूम से स्क्रीन पर नहीं दिखा पा रहा हूं, मैं कैमरामैन को कहता हूं कि यहां लीजिए। शादाब चौहान और इस देश के तमाम सेक्युलर देखे ये वीडियो जो मैं दिखाने जा रहा हूं, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का वीडियो है जो कैंसर से ठीक होकर, इनका नाम ऑस्कर फर्नांडिस है, राज्यसभा में भाषण दे रहे, क्या कह रहे देखिए, गौमूत्र के खिलाफ बोलने वालों देखो। ये मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं क्योंकि ये अचानक मुझे ये दिखाना पड़ रहा है इसलिए मैं कंट्रोल रूम से नहीं दिखा पा रहा हूं, यही से दिखाता हूं। There was no treatment which could cure me. Ultimately, I came to this ashram, and in this ashram, I got a relief from Gomutra, and my cancer was cured. And I have decided to serve this ashram. Lifetime, I will serve in this ashram. I will not take up any job. Because this ashram has given me a new life, new lease of life. My own experience, I said I was in a village doing cultivation. And when I got elected to the parliament, I had to choose either to work in the parliament or to be a farmer. And I had no option but to give up farming. When I gave up farming, I had severe pain in the knee joint, and when I went to get it examined, a doctor told me, you need replacement of your knee joints. I said, doctor, short of this, tell me anything, I'll do, but I cannot go for knee replacement. Then he said, you strengthen your muscles. I said, okay. I was not able to climb the stairs. I started Vajrasana yoga, practicing yoga. Today I am able to boldly tell you, after that I could do even wrestling without any difficulty. शादाब चौहान ये एक ईसाई व्यक्ति है, मैं धर्म पर नहीं जाता, इस व्यक्ति का मैंने इंटरव्यू किया है, सोनिया गांधी के राइट हैंड है, किचन कैबिनेट माने जाते हैं, ईसाई है, राज्यसभा में खड़े होके कह रहे ईमानदारी के साथ कि गौ माता के गौमूत्र ने मेरा कैंसर ठीक किया और अब मेरा बचा हुआ जीवन मैं वहां जाकर आश्रम के सेवा में लगाऊंगा। ये व्यक्ति मैं इंटरव्यू करने गया तो इन्होंने मुझे सूर्य नमस्कार करके दिखाया और अंग्रेजी में कह रहे थे कि मेरे घुटने बदलने के लिए कहे थे डॉक्टर ने, मैंने घुटने नहीं बदले, मुझे वज्रासन ने और योगा के प्रैक्टिस ने ठीक किया। गौ माता के प्रति ईमानदारी के साथ अपनी बात कह रहे हैं, आपने आपकी माँ का दूध तो 9 महीने ही पिया है, उसके बाद गाय का दूध पिया, कुछ तो ईमानदारी गाय के प्रति भी दिखाइए। देखिए ये अपना अपना नसीब है सुरेश जी, किसी के नसीब में गाय का पेशाब है, किसी के नसीब में गाय का दूध है, तो मैंने दूध भैंस का पिया है या गाय का पिया है इस पे आपत्ति नहीं। और जो फर्नांडिस साहब ने बात कही है वो उनका विश्वास है कि वो क्या करें, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं फिजिकली फिट हूँ, नितिन गडकरी योगा करते हैं, गाय के चलिए मुझे आज मुद्दा भटकाना नहीं है, ये अपना अपना मुद्दा हलाल है, लेकिन आज गौमूत्र के ऊपर एक तीखा कटाक्ष करने वाले कुत्तर को
आज मैंने एक जवाब दिया है और ये जवाब मुझे तो पता ही था, लेकिन मेरे दर्शक इस शो को देखते हुए अपना इनपुट भेजते हैं और उस इनपुट को सही समय पे उन्होंने भेजा और इसलिए मोबाइल से प्ले करके दिखाया। मित्रों, ये हिंदुस्तानी मान्यता है, हमारे गोमूत्र के ऊपर 60-70 से ज़्यादा शोध अकेले अमेरिका में हुए हैं। कितने शोधों से पता चला है कि उसका असर क्या है। मास सैनिटाइजेशन में केमिकल से ज़्यादा गोमूत्र उपयोग में किया जाता है, लेकिन हमने गोमूत्र थोपा नहीं। हमने कहा नहीं कि मस्जिदों की भी सफाई इससे करो, हमें उससे मतलब नहीं, आपको जो करना है करो, लेकिन हम क्या करें और हम जो खरीद रहे हैं उस पर अपना ठप्पा लगाकर उससे 21,000 प्रति प्रोडक्ट और 50,000 रुपए लेके वो लेकर आप हिंदुस्तान के आतंकवाद को बचाने के लिए अगर पैसे दे रहे तो सुरेश चौहान के विरोध करेगा। शादाब, इसी तरीके से किसी ने नहीं कहा कि गोश्त से मंदिर साफ किए जाएंगे। ये मंदिर मस्जिद की बात चर्चा का विषय नहीं है, सबको अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं पर विश्वास है। दूसरी तरफ जो आतंकवाद से संबंधित बात कही कि जो मेरे साथी जो कौन बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि आतंकवाद पे दोहरा मापदंड है। देखिए, आतंकवादी चाहे नाथूराम गोडसे हो चाहे अजमल का, एक मिनट में दिखाता हूँ, जरा दिखाइए कैसे जो जो संस्थाएं हलाल का सर्टिफिकेशन देती है वो संस्थाएं हिंदुस्तान के आतंकवादियों को बचाने के लिए कोर्ट में उनकी लड़ाई लड़ती है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश का हिंदुवादी नेता की जो हत्या हुई कमलेश तिवारी की, उसके वकील, उसके हत्यारों को बचाने के लिए वकील देने वाले भी यही लोग हैं। इस देश के होम मिनिस्टर को कलकत्ता के एयरपोर्ट के बाहर आने नहीं देंगे कहने वाले यही लोग है, यही लोग हैं जो हिंदुस्तान के विरुद्ध शस्त्र लड़ने वाले, शस्त्र उठाने वाले लोगों को बचाने के लिए आपके हलाल सर्टिफिकेट के पैसों से काम करते हैं। और इसलिए हलाल सर्टिफिकेट केवल धार्मिक मान्यता का मुद्दा नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी है। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए हम इस विषय पर अपनी आवाज उठाएंगे। देखिए, ये न्यूज कटिंग है, सुदर्शन की न्यूज नहीं है, ये आउटलुक मैगजीन है जो कहता है कि जमीयते उलेमा हिंद प्रोवाइड्स लीगल एड्स टू मेनी केसेस। और केसेस कौन सी, अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, ये गद्दारी की हदें होती है। ये तिवारी जी की हत्या के हत्यारोपों को बचाने का ये न्यूज कटिंग। दूसरा भी, कलकत्ता के एयरपोर्ट के बाहर आने नहीं देंगे और करने वाले कौन, जमीयते उलेमा हिंद, ये और संस्थाएं जो इस देश में हलाल। अमित शाह वोंट बी एबल टू अलाउ टू स्टेप आउट ऑफ द कलकत्ता एयरपोर्ट इफ सी ए नॉट रियोक। बताइए, ऐसे ऐसे काम करने वाले, रमेश जी शादाब चौहान से तो क्या बात करें, हम ही तय करें ना कि आखिर हमको क्या करना चाहिए। अब हम उपाय की दिशा में जाते हैं, क्या उपाय हो सकता है रमेश जी? रमेश जी, क्या उपाय हो सकता है? शायद रमेश जी को प्रश्न नहीं पहुंच रहा है। मैं भरत जी के पास चलता हूं। भरत जी, क्या उपाय हो सकता है? ऐसा है, सबसे पहले तो देखिए, जो उनका अधिकार है वो सर्टिफिकेशन हिंदू विषयों में दखल बोर्ड बनाए और उसका जो धन चार्ज करे वो सरकार करे और माइनॉरिटी विषयों की फंडिंग उसी धन से हो। हाँ, तो उसमें सर्टिफिकेशन करेगी जमात उलेमा भाई, इसमें सुन्नी क्यों तय कर रहे हैं? ये शिया और अहमदियों को क्यों नहीं अधिकार है? और सुन्नियों में भी जो सबसे कट्टर वहाबी हैं, जो सबसे जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, जो शियाज हैं, वो क्यों नहीं हलाल सर्टिफिकेशन दे रहे? अहमदियाओं को क्यों नहीं हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है? नहीं, उनको भी क्यों दिया जाए, उनको भी क्यों देने की अनुमति दी जाए, उनको भी क्यों छोड़ दी जाए? भैया, जिसको खाना है वो खाए ना, पर हिंदू को ये जो फोर्स किया जा रहा है, हिंदू संगठनों को, पतंजलि को, ITC को, मैकडोनल्ड है, एयर इंडिया है, इंडियन रेलवे है, इन सब से बिल्कुल हटा देना चाहिए। बिल्कुल, रमेश जी जुड़ गए हमारे साथ। रमेश जी, उपाय की दिशा में हम अगले कुछ मिनट लेते हैं कि उपाय क्या हो सकता है। हम इसके बायकॉट की तो बात कर ही रहे हैं, हिंदुस्तान पे सर्टिफिकेशन हटा देना चाहिए, हटेगा भी, कई सांसद हमारे समर्थन में आए हैं, सोमवार से हम उनकी भी बात करेंगे। देश में जिस प्रकार का माहौल है, इस कारण हम इस विषय पर पूरी ताकत नहीं लगा रहे, लेकिन इस मुद्दे को खत्म करना है और खत्म करके रहेंगे। रमेश जी, इसके बारे में मैं ये कह रहा था कि एक इंग्लैंड के एक बहुत बड़े राइटर है जिनका नाम है निकोलस तालेब। मैं निकोलस तालेब,
तो उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट को कहा है कि ये माइनॉरिटी डिक्टेटरशिप है, यानी अल्पसंख्यक जो है उनका एक तरीके से हुकूमत शाही है ये। तो ये जो है ये धीरे धीरे हलाल की मांग करते रहेंगे, फिर उस देश को मजबूर कर देंगे कि नहीं आपको हलाल ही देना पड़ेगा, और वहां के जो रोजगार है, वहां की जो अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ये एक मुस्लिम राइटर ने लिखा हुआ है, शादाब खान बिना पढ़े कुछ भी आ जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ वही बातें पुरानी निकाल देते हैं, गोड से ये वो। अरे भाई, गोड से एक हो गया, उसके बाद में आपके कितने नाम आए तो उनके बारे में क्यों नहीं कह रहे कोई? और उससे पहले अब्दुल रशीद पहला आतंकवादी है जिन्होंने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की, उसके बारे में कभी नहीं कहेंगे आप? तो आप केवल अपने मुद्दे लेकर के मत कहिए। यहाँ पर हलाल के नाम पर आज आप भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो कब्जा करने के प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि भारत में एक केंद्र सरकार कानून बनाती है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में वहां पर पीड़ित हिंदू है, जैन है, बुद्धिस्ट है, सिख है, उनको भारत में लाने के लिए, तो उसका विरोध करने के लिए आप हलाल का पैसा यूज करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप हलाल हलाल बात करते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि आपके इस्लाम में लाउड स्पीकर का उपयोग करना कहां कुरान में लिखा है? आपके यहां पर तो कहा गया था यह हराम है। आपके कुरान में मुझे बता दीजिए कहां पर लिपस्टिक लगाना लिखा गया है, कहां पर मस्करा लगाना लिखा गया है, कहां पर नेल पेंट लगाना लिखा गया है? आपके कुरान को पढ़ करके मुझको बता दीजिए इस बात को, और फिर बताइए कि आज आप नेल पेंट को भी हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आज आप कॉस्मेटिक्स की जितनी सारी चीजें हैं उन सारी चीजों को हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न तो यह आता है, क्या पैसे के लिए आप इस्लाम बेचने के लिए लगे हैं? शादाब चौहान, देखिए, इस्लाम को आप ना सिखाइए हमें। बेशक इस्लाम में नेल पेंट की कोई इजाजत नहीं है, और इस्लामिक तौर पे आज जो चाहे व्यक्ति कर सकता है। जिस तरीके से हिंदू धर्म में गोमांस खाना मना है लेकिन लोग खाते हैं, तो जो बुरे लोग होते हैं, धर्म के विपरीत जाने वाले लोग, सबसे प्राचीन संगठन है इस्लाम ने कहीं भी किसी पर भी जबरदस्ती नहीं की है। इस्लाम ने आजादी दी है। हाँ, कौन कहता है जबरदस्ती नहीं की है? आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं हलाल की। उसी प्रकार से इस्लाम ने, यदि कोई मुसलमान झटका खाना चाहता है तो क्या आप उसको परमिशन देंगे? लेकिन आपको नथुराम गोडसे को आतंकवादी कहने में शर्म आती है? आपको सावरकर को गद्दार कहने में शर्म? नहीं, हमें कोई शर्म नहीं आती है। आपको शर्म आती है कसाब को आतंकवादी कहने में? आपको शर्म आती है? कसाब को भी कह सकता हूँ, आप उसके साथ में खड़े हो। एक मिनट, चलिए, अभी हमारे पास समय की कमी है। शादाब चौहान, आपने कहा कि आप मुसलमान को कुछ भी करने, शादाब चौहान, मेरा आखिरी सवाल है, आपने कहा कि मुसलमान अगर चाहे तो कुछ भी करने की छूट है, तो कोई जी, मैं एक मिनट, धन्यवाद संजय जी। शादाब चौहान, आखिरी प्रश्न, आपने कहा कि इस्लाम में कुछ भी करने की छूट है, क्या अगर कोई मुसलमान सुअर का मांस खाना चाहे तो छूट है? मैंने ये कहा कि जो गाइडलाइन जिस प्रकार तिरुपति बालाजी या सुअर खाने की छूट है, हाँ या नहीं बोलो? उसी तरीके से मैंने कहा था, सुअर के हाँ या नहीं बोलो? जबरदस्ती नहीं, सुअर का मांस खाने की छूट है या नहीं? हयाशियानों में बोलो, अगर वो धर्म के विपरीत चाहता है चाहे वो कुछ भी करे। हाँ, मतलब धर्म के बाहर निकाल दिया ना, यही असलियत है। और ये असलियत को नंगा करने के लिए आपको लाया था, खुद होके पूरे कपड़े उतार दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। चलिए, मैं तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूं जो आज हमारे साथ सहभागी हुए। मित्रों, हिंदुस्तान पर इस्लाम के नाम पर कब्जे की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। आप नहीं जानते, ये आपका अज्ञान है, और यही अज्ञान आपको गुलाम बनाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि आप जानते ही नहीं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। 3 दिन के बाद भी कई लोगों के मन में हलाल क्या है यह प्रश्न अगर फिर भी बचा है, तो इन 3 दिनों के यूट्यूब के एपिसोड दोबारा देखिए, अपने मित्रों को भेजिए और कहिए कि हलाल से जागिए। अगर नहीं जागे तो फिर क्या होना है तय है। आगे बढ़ते, एक ट्वीट में आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान, और वैसे तो इस्लामी है, पाकिस्तान भी मुसलमान है और बलूचिस्तान भी मुसलमान है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर इस कोरोना वायरस के दौरान दुनिया का ध्यान जब पाकिस्तान के पाप की तरफ नहीं है, तो वहां पर का क्या चित्र है? इस ट्वीट को जरा फुल स्क्रीन करके दिखाइए, फोटो दिखाइए खास करके, कि क्या हो रहा है
ये फैजल मारी बलूच नाम के एक ट्विटर ने ये ट्वीट मुझे स्पेशली भेजा है और कहा है कि इसको ज़रूर दिखाइए कि कैसे इस पूरे सिनेरियो में जब दुनिया का ध्यान अपनी अपनी समस्या सुलझाने में लगा है तो पाकिस्तान बलूचिस्तान के छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ पर क्या कर रहा है। ये हमारे बलूच भाइयों की आवाज़ आज के शो के द्वारा हिंदुस्तान के मीडिया के पास भी और विश्व के मीडिया पास भी जाए, इसलिए मैं इस पोर्शन को आज के शो में एडिशनली ऐड करा। मित्रों, हलाल का तीन दिन का ये सीरीज मैं यहाँ पर आज तकनीकी तौर पर रोक रहा हूँ, अभियान नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हम जिसके पीछे पड़ते हैं फिर पड़ जाते हैं और उसको हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। बिंदास बोल को ईश्वर ने दी हुई ये ताकत हलाल के पीछे लगी है, जो आपने हमको दर्शक के रूप में, समर्थक के रूप में दी है, और मैं आशा करता हूँ अब हलाल हलाल और हलाल पर इस देश में चर्चा हो। आज भी हमको कवियों ने कविताएं भेजी है, लेकिन आज मैं समय के कमी के कारण उसको नहीं चला पा रहा हूँ, लेकिन मित्रों आप कविता बनाइए, हमको भेजिए, भले आज के बिंदास में ना चला पाऊँ, लेकिन दिन भर के विभिन्न कार्यक्रमों में उसको चलाऊँगा और हलाल के अपडेट आपको देता रहूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। मुश्किल दिनों के दर्द, उनका असमय होना, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी व खून की कमी जैसे तकलीफें होती हैं। अपनाएं इंडिया की नंबर वन औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। हेलो एवरीवन, आप लोग एक बात याद रखें, कोरोना आपके घर आएगा नहीं, आप बाहर से इसे ले आएंगे, तो इसीलिए घर पर ही बैठिए, स्टे होम स्टे सेफ। और याद रखिए कि सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप हर महिला की प्रतिरोधक क्षमता